दशहरे को लेकर भगवान श्री राम और रावण के बीच का युद्ध तो हमें मालूम है, हमें पता है कि दशहरे के दिन रावण को भगवान श्री राम ने मारा था, इसलिए इस दिन को मनाया जाता है। भगवान श्री राम और रावण के बीच का युद्ध आपको मालूम होगा। आप देखेंगे कि 9 दिन तक ये राम रावण का युद्ध चला था और जब 10वां दिन हुआ उस दिन भगवान श्री राम ने रावण की नाभि में अपना बाण मारा और वहीं पर रावण का अंत हो गया था। इसलिए ये दशहरा पर मनाया जाता है और दशहरे के दिन सत्य की जय के रूप में मनाने की प्रथा चली आ रही है तभी से, और इसीलिए रावण को जलाया जाता है ताकि उससे सीख लेकर हम अपने अंदर जो बुराइयां हैं, अपने अंदर जो चुनौतियां जो हम समाज को दे रहे हैं जिन बातों से, उनको हम भुलाकर उनका नष्ट करके अपने साथ सत्य को लेकर आगे बढ़ें। तो इसलिए दशहरे का पर्व मनाया जाता है। इसके साथ ही जो दूसरी बात है वो मैं आपको बताता हूँ। इस दिन देवी यानी कि माता ने महिषासुर नाम के राक्षस का वध किया था और इसलिए भी इस दिन को ध्यान में रखा जाता है। मैं आपको कहानी बताता हूँ कि महिषासुर नाम का एक राक्षस था, उपद्रव मचा रहा था। इस बीच माता का 9 दिन उसके साथ युद्ध चला था, तो इन 9 दिन चले युद्ध के बाद 10वां दिन जो आता है उस दिन माता ने महिषासुर का वध किया था और इसलिए ये दशहरे का पर्व मनाया जाता है।